गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला सीरीज। अभी तक आप सभी को 450 तक का फुल सॉल्यूशन, हॉट ट्रिक एंड फुल कंसेप्ट के द्वारा दिया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे 451 तक। इसके पहले आप सभी को वॉल्यूम 2 2700 तक का पूरा सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए। 451 से लगातार देखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 450 से 52 रेगुलर देखेंगे। एक ही टेबल में टेबल दिया हुआ, अनिल, बीनू, चिराग, धवल, एल्जा, फराह, जॉर्ज। इस प्रकार के टेबल में आप चाहें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जोड़ दें, क्योंकि इसी पर आधारित टोटल क्वेश्चन मिलने वाला है। कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए? तो परीक्षा में 50% अधिक तो देख ले हैं। गणित में टोटल जो अंक है वो है कितना, 120। उसके बाद जो विज्ञान में है आपको दिख ही भी रहा होगा, विज्ञान भी 120। फिर भूगोल जो होगा, भूगोल में वो 100 है, क्लियर है। उसके बाद जो इतिहास है, इतिहास भी 100 है। यानी टोटल अंकों को जोड़ा जाए तो टोटल हो जाएगा 120 240 और 240। यदि इसका 50% निकाला है, 50% आधा होता है, तो 440 के आधा कितना होगा, 220। अब आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन 450 नंबर, वो यही पूछ रहा है कि कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक मतलब 220 से अधिक लाए। तो सबका जोड़ दीजिए, हमें तो सातों का लग रहा है। अनिल का जोड़िए, 90 50 140, इधर 60 और 70 130, कुल मिला के हो गया आपका 140 130, 270 हो गया, 220 से ज्यादा ही है। आप बीनू का जोड़ दीजिए, 180 180 40 200 180 और 40 220, और फिर 80 तो 300 हो गया। फिर चिराग का 90 60 150, और फिर 70 और 90 160, ये भी जोड़ के आपको 300 से ऊपर हो रहा है। सब मतलब कि धावल का भी जोड़ दीजिए, सभी विषय का चारों का, एल्जा का भी जोड़ दीजिए, सब आपको लगभग 220 से ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे सातों के सातों छात्र हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, कितने छात्र ने परीक्षा 50% से अधिक लाए, तो 7 छात्र आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे पता चला, टोटल का 50% निकालिए 220, और टोटल ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो आपका 220 से अधिक ही आएगा, आप जोड़ सकते हैं। आइए 451 क्वेश्चन देखिए, मिलाइए। सभी चार विषयों में धावल द्वारा अर्जित अंकों का प्रतिशत, केवल धावल का निकालना है, तो धावल का जोड़ दीजिए, अभाग दे देंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे, तो टोटल है कितना, 440। टोटल 440 में धावल लाया कितना है, तो 80 है, 65 है, 80 है, 60 है, तो जोड़ दीजिए, 5 इधर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कितना धावल का, 8 8 6 14 14 और 8 22 22 6 28, 285। और निकालना हम लोग का है अंकों का औसत कितना है, सिर्फ औसत ही पूछ रहा है ना, तो 4 से भाग दे देते हैं, सिर्फ औसत ही पूछ रहा है कि बोल रहा है कि सभी चार विषयों में धावल द्वारा, तो 4 से भाग देंगे, परसेंटेज पूछता तब नीचे रखते हैं, 4 से भाग देंगे, 7 4 28, बचा कितना, तो बच गया 5, तो 4 4 फिर बचा कितना, 1 4 2 8, फिर 4 5 20, 71.25 हो जाएगा धवल का औसत चारों विषय में। ऑप्शन से मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी, तो ये हुआ आपका 451। अब इसी में देख लीजिए 452 में कह रहा है कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से कौन परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा, तो प्रथम स्थान पर सबसे ज्यादा किसका रहा है, यदि आप जोड़िएगा तो सबसे अधिक चिराग का रहा है, नहीं तो आप जोड़ सकते हैं सबको, यहाँ पे चिराग का ही सबसे अधिक है, 90 60 150, और फिर 70 और 90 160, मिला के 310, ये हो गया। नहीं तो और आप जोड़ सकते हैं, अनिल का भी जोड़ दीजिए, टोटल का जोड़ दीजिए, लेकिन एक्चुअल में जो सबसे अधिक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 100 और 80 180 और 40 220 और 80 300 रहा है बीनू का, चिराग का ही सबसे अधिक आएगा, आप जोड़ के देख सकते हैं, ये 310 आ रहा है जो कि सबसे अधिक है, तो हम लोग का आंसर चिराग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखें तीनों का तीनों क्वेश्चन, बस सिर्फ जोड़ना घटाना, औसत निकालना या परसेंट निकालना, और कोई काम इसमें नहीं है, 100% समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 453 देख लो। कह रहा
पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था, उसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया गया तो यह सिर्फ 1/5 रह गया। तो कंटेनर की कुल क्षमता, देखिए जब भिन्न के रूप में हो तो कुल क्षमता अपने आप में 1 गुना होता है, और प्रतिशत के रूप में हो तो 100%, भिन्न के रूप में हो तो 1 गुना, कुल क्षमता 1 मान ली। पहले से भरा हुआ कितना था, पहले से भरा हुआ कितना था, तो पहले से भरा हुआ था 3/5, 38 जब निकाल लिए ना तो भर गया कितना, बाद में 38 निकालने का भरा रह गया 1/8। हमने क्वेश्चन ही करा तो पहले हम लोग ना रेशियो निकाले, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 एलसीएम 40 तो ये 40 बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 24, आई हो जाएगा 5। आप 38 निकाले तो यहाँ पहले था 24, बाद में हो गया 5, कितना निकाले 19। तो कमी की तुलना कमी से, पूरा क्षमता निकालना है 40। रेशियो का नियम जानते हैं, बहुत आसान से बन गया, 19 × 38 = 40 × 80, यानी कंटेनर की जो क्षमता थी वो थी 80 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 454 देख लो, आसान क्वेश्चन। 5x + 7y = 19, एक चीज और है, 7x + 5y = 17, इसमें x का मान पूछ रहा है तो y को सेम कर, सिंपल बात है, लीनियर इक्वेशन 10th में, तो y को सेम करना है तो नीचे वाला से ऊपर गुना 5 से, और नीचे कैसे गुना 7 से, तो 7 से इधर दोनों में, अब 5 से ऊपर तीनों में, सब है क्लियर। अब घटा देंगे, हमें x चाहिए तो घटा देंगे, 7 × 35y कट गया, यहाँ 25x + 49x बचा कितना, तो -24x बराबर 19 × 95 = 17 × 19, ठीक है घटाते हैं तो इधर से 19 + 5 कितना हो जाएगा 24, प्लस में नहीं माइनस में, माइनस माइनस कर गया x का मान आया 1, x का ही तो मान निकालना है, x का मान 1 आया प्लस में ही, ऑप्शन से लो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 455 बहुत आसान क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 गुना, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 1 मान लेंगे तो इसको 6 मानना पड़ेगा लंबाई को, यदि आयत का परिमाप 50 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। हम सभी जानते हैं भाई परिमाप जो होता है वो होता है 2 × L + B, फिर से यहाँ कह रहे हैं एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, यदि आयत का परिमाप 50 है, यहाँ पे थोड़ा सुधारना पड़ेगा, यहाँ पे परिमाप देना पड़ेगा हम लोग को 56, सुधार दीजिए आप, 28 × 56, अब लंबाई चौड़ाई का योग 28 है, यहाँ योग कितना है 7, लंबाई निकालना 6 से चौड़ाई 1 से, 7 × 28 तो 6 × 24 और 4 × 1 = 4, लंबाई हो गया 24 चौड़ाई हो गया 4, लंबाई पूछता 24 चौड़ाई 4, पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 24 चौड़ाई 4, क्षेत्रफल हो गया 24 × 96, आप सीधा करके उसको सुधार लीजिए, ये जो परिमाप 50 सेंटीमीटर है यहाँ लिखना चाहिए 56 सेंटीमीटर, हम लोग का आंसर आएगा क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 456 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 1600 को 3 भाग में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले के 7वें, दूसरे के 5वें और तीसरे के 4थाई बराबर, पहला ए मान लीजिए इसका 7वां, दूसरा बी मान लीजिए इसका 5वां और तीसरा इसका 5वां, मतलब 1/5, सी मान लीजिए इसका तीसरा भाग, सॉरी तीसरे का चौथाई भाग, चौथाई मैंने 1/4, आपस में बराबर है, हमने क्वेश्चन ही कहा रेशियो में ही पढ़े हैं, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर है कोफिशिएंट उलट जाएगा रेशियो, तो ये हो जाएगा 1/7 × 7, 1/5 × 5, 1/4 × 4, रेशियो हम लोग का हो गया 7:5 / 4, अब क्या है बांट दो और क्या, कितना को बांटना था तो बांटना है 1600 को, यहाँ 7 × 5 = 12 × 4 = 16, पहला भाग निकालना 7 से 5 से, तीसरा भाग 4 से, 16 से 100 बार में आंसर हो गया 700, 500 और 400, देख लो ऑप्शन मिला लो, तीनों भाग क्रमशः हो जाएगा 700, 500, 400, 700, 500, 400, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 457 9 मीटर 14 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, अच्छा यदि उनके पैरों की, ये तो क्वेश्चन पहले ही जान चुके हैं हम लोग, पहले भी पूछ दिया था, सिर्फ डिजिट चेंज किया, 9 सेंटीमीटर या 9 मीटर ही ले लीजिए, 9 मीटर दिया हुआ है तो 9 मीटर, और ये 14 मीटर के 2 खंभे खड़े हैं, उन जमीन पर उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो वही पूछ रहा है कि उनके ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ये वाला, तो देखिए ये 9 है तो ये भी 9 होगा,
ये पूरा 14 महीना हो तो ये 5, आपको पता है 5 है ये 12 है तो ये 13 ही हो जाएगा, 5 12 13 पाइथागोरस, या तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लेके चलिए, 13 ही आएगा। हम लोग का आंसर हो गया 13, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 458 देख लो, कह रहा है क्या, ए ने बी को एक मैच 20% लाभ पर, बी ने वाई मैच सी को 25% लाभ पर 750 में बेच दिया, ए ने मैच खरीदने में कितने रुपए वास्तविक, मान लीजिए ए ने पी रुपया लगाया, अब ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर मतलब 120/800, बी ने सी को बेचा 25% लाभ पर मतलब 125/800, तब जाके जो लास्ट कीमत हो गया वो हो गया 750। तो बोला ए का कीमत जो बी माने हुए का है, बस कर दो और क्या, 20 × 6 = 20, 25 × 25 = 25, 24 पांच से पांच कैंसिल, 2 × 4 = 3, 2 × 6 = 3, 3 बराबर है उस तरफ कटेगा, 25 × 3 = 75, 250 × 2 = 500, पी बराबर 500, पी है क्या तो ए का लागत मूल है, स्टार्टिंग मतलब प्रारंभिक मूल, तो पी बराबर 500 यानी ए का जो लागत मूल आएगा वो आएगा, वास्तव में कितने रुपए अदा किए थे ए ने तो 500 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 458 देख लो, करा ए ने बी को एक मैच 20% लाभ पर बेची, अच्छा ये तो बताई दिए 459 15 13 16 19 21 29 और 10 की माध्यिका ज्ञात करें। आपको पता है ना, बार बार बताया हूं कि माध्यिका ज्ञात करना है, बढ़ते क्रम में सजाइए बीच बना, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा इसमें कितना नजर आ रहा है, 10 है, उसके बाद 13 है, 13 के बाद तो फिर 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 19 है, उसके बाद 21 है और 29 है, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, माध्यिका जो होता है बढ़ते क्रम में सजा के बीच होना, 3 को इधर 3 को इधर छोड़ दिए, बीच में हो गया 16, यानी माध्यिका हो जाएगा 16, और जब बीच वाला ना पता चले तो बीच वाला 2 को जोड़ के भाग, सब सेट में तो मिल ही रहा है क्वेश्चन, हम लोग का आंसर हो गया माध्यिका 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 460 देखो, बहुत सिंपल, एक बेलन, बेलन का व्यास, बेलन इसे कहते हैं ठीक है ना, इसका व्यास 6 है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा त्रिज्या, क्योंकि व्यास 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या व्यास के आधा होता है, आप सभी को पता होगा ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, इसमें एक गोलाकार गेंद डाली जाती है तो पानी का स्तर 0.5 बढ़ जाता है, तो गेंद का व्यास क्या होगा, यहाँ पे पानी कितना भरा हुआ है, मान लिया जाए यहाँ तक ऐसे करके पानी भरा हुआ है, बहुत ही बारीकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एकदम आसानी से समझ में आएगा, ये भरा हुआ है, जब इसमें एक बॉल को डाल दिया जाता है नीचे, तो निश्चित है नियम है आपका कि बॉल आप जितना पानी में डालिएगा जितना आयतन नीचे छेकेगा उतना ही आयतन पानी ऊपर उठ जाएगा, नहीं तो आप किसी बर्तन में पत्थर डाल के देखिए या बॉल, तो पानी ऊपर उठ जाता है क्या सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, यही ऊंचाई का काम करेगा, हमें ये वाला ऊंचाई से मतलब नहीं, यानी डाले गए गेंद का आयतन और ऊपर उठे पानी का आयतन आपस में बराबर, यानी हम कह सकते हैं यहां पे गोले का आयतन बराबर ऊपर उठे पानी का आयतन, पानी का आयतन, तो पानी जब ऊपर उठेगा तो बेलना क्या कार में, बेलन कार में ही उठेगा, तो गोले का आयतन कितना होता है, हम सभी जानते हैं 4/3 होता है पाई आर क्यू होता है, और यही तो हम लोग को निकालना है, निकालना क्या है गेंद का व्यास, तो 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3 × 3, एच कितना है, तो एच 10 नहीं ले लेना, 10 तक तो पहले से पानी भरा होता है, जो गेंद डालने के कारण पानी ऊपर उठा ना 0.5, वही यहाँ पे ऊंचाई का काम करेगा, तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लेके चलेंगे, काट देते हैं पाई से पाई कैंसिल, उसके बाद हो जाएगा हम लोग का आर क्यू बराबर ही तिरछा गुना होगा तो हो जाएगा कितना, ये पहले पॉइंट काटेंगे तो इधर एक जीरो आएगा, ध्यान दे रहा है कैलकुलेशन में, पॉइंट काटेंगे तो इधर 10 से गुना होगा मतलब 40, 8 × 5 = 40, अब आर क्यू बराबर हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 = 27, आई वाला जो बचेगा 8 ही नीचे चल 27/8 हो गया, यानी कह सकते हैं हम लोग कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, चूंकि आर क्यूब है क्यूब रूट ऑफ 27/8,
यानी जो त्रिज्या हो गया वो 27 का 3 होता 8 का 2, 3/2 हो गया, यानी 1.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया। लेकिन हम लोग से पूछ क्या रहा है व्यास, हम सभी को पता है व्यास त्रिज्या के आधा होता है, 2r होता है, तो 2 गुना 1.5 करेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगा, यानी जो गोला डाले हैं उसका भी व्यास 3 सेंटीमीटर आया, यानी हम लोग का आंसर हो गया गोले का, जो गेंद डाले हैं उसका व्यास पूछ रहा है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 461 आपके लिए कैलकुलेशन है, आपको पता है सिंपल है, दोनों भीड़ का जोड़ जोड़ देना है, बीच में भागा उसको गुना करिए तो राइट साइड वाला को उलट देना है, फिर कैलकुलेशन करके आंसर देना है, इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462, देखने में बड़ा लेकिन बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर जाती है, पी से क्यू की ओर जाती है, ठीक है, तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से पी की ओर आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 तथा धारा की गति 5 है तो पूरी यात्रा में औसत चल, सिंपल है भाई, नाव की गति है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दिशा में चाल क्या होगा, नाव धारा पढ़े होंगे तब तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी बताते हैं, एकदम जनरल चीज है, जिधर धारा जाएगा उसी दिशा में आप जाइएगा तो निश्चित है चाल बढ़ जाएगा, यानी जुटेगा 35-5 40 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत जाइएगा तो धारा का चाल घट जाएगा 35-30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पी से क्यू तक गया आप फिर विपरीत दिशा में लौट आए तो समान दूरी देखिए, और जो समय दूरी वाला जो हम पढ़ाए मास्टर वीडियो से पूरा बढ़िया से क्लियर किया हुआ कि जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल जो होगा वो होता है 2xy/x+y, यही तो पूछ रहा है आपसे कि औसत चाल क्या होगा, औसत गति क्या होगा, तो बस निकाल दीजिए 2 × x 40/30, एक्स प्लस वाई 40 और 30 70, काटे 1 × 0 = 1, 40 × 2 = 7, आप देख लीजिए दशमलव में ही आएगा आपका आंसर, 7 से काटेंगे 7 × 21 बच गया कितना 3, 3 × 0 = 30, 7 × 4 = 28 बचा कितना 2, 7 × 2 = 14 बचा कितना 6 × 7 = 56, यानी 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा एक ऑप्शन आपका मिल गया है, 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन से मिलाइए, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 463, कितना आसान है, करना क्या है इसका मासा और लासा बताना, इसका मासा लासा का अनुपात किसका, 25 का, 35 का और 70 का, तो सबसे पहले इसको भाग फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये तो 25 से रहेंगे तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा 7×5 = 35, ये टूटेगा 7×2 = 14 × 5 = 70। अब इसका HCF और LCM का अनुपात, हमने क्वेश्चन ही कर रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मासा तथा लसा का अनुपात HCF है, तो HCF तो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन आप देख रहे हैं कितना है तो बोले सर 5 है, क्योंकि देखिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, 25 से कट रहा है, 25 5 से भी कट रहा है, तो HCF तो 5 होगा, LCM कितना होगा, तो LCM बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर देते हैं 25 × 7 × 2, 25 कर दिए तो 5 करने की जरूरत नहीं है, अब काट देंगे इसको, ये हो गया LCM, ये हो गया HCF, 5 × 5 = 25, तो अब ये हो गया कितना, हो गया 1:5, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 70, यानी इसके मासा और लासा का जो अनुपात होगा 1:70 होगा, ऑप्शन से मिला लीजिए ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 464, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि बहुत आसान से बताया जाए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बताया जाए, इसलिए आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक जरूर करें, एक लाइक कर देने से आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और कम से कम 10 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा रेगुलर आपको कंटेंट उपलब्ध कराता रहूं। तो 464 देख लीजिए, एक त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब समझते ही, तीनों भुजाओं का योग 100 है, यदि दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो तीसरी भुजा क्या है, पहले भी आप बना चुके हैं, मान लिया जाए कि बराबर भुजाएं x है तो निश्चित तीसरी भुजा x प्लस 10 हो, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि 100 है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है तो एक्स प्लस एक्स और तीसरा भुजा एक्स प्लस 10 जोड़ के कितना 100, 100 जाके उधर घटेगा इधर जोड़ेंगे 3x, 10 उधर घटेगा बचेगा 90, 30 आई 90, यदि बराबर भुजाएं पूछता तो 30 आया,
आप पूछ रहा है क्या तीसरी भुजा, तो ये हो गया 30 और 10 मिला के 40, कितना फास्ट आसानी से भर गया, परिमाप बराबर कर दिए। यही तो पूछ रहा है हम लोगों से कि तीसरी भुजा की लंबाई तो 40 हो गया, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 465, तो आप ही को बताना है, बोल रहा है कि इसका बहुलक या मोड ज्ञात करें। बहुलक किसको कहेंगे, जिसकी संख्या ज्यादा है। देख लीजिए, एक बच्चा भी बता देगा किसकी संख्या ज्यादा है, 465 का आंसर आपको कमेंट में दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 466, मजेदार क्वेश्चन। देखिए, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है, पहले भी कई बार आ चुका है, जमीन के साथ। देखिए, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, और सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, दीवार पर आ जमीन के साथ कई डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, ऊंचाई पूछ रहा है। जैसे ही 30 आया तो 1/√3 होगा, क्योंकि टेंथ इसका मान 1/√3, तो ये की √3 तो कंफर्म नहीं, 2 होगा, कर्ण रूट अनुलंब स्क्वायर प्लस आधार उस पर, तो ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई बना दो रेशियो के नियम से। यहाँ सीढ़ी की 10 है, रेशियो से सीढ़ी 2 है, ऊंचाई पूछ रहा है 1 × 5 × 10 = 5 मीटर है, तो मीटर में, यानी यहाँ जो पूछ रहा है सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, सिर्फ देखने में बड़ा लेकिन बहुत आसान टाइम वर्क का क्वेश्चन है, और मैं बार बार कहता हूँ कि टाइम वर्क का मास्टर वीडियो अभी तक आप नहीं देखे, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार टाइम वर्क का मास्टर वीडियो आप देखते हैं तो इजी वे में आपसे बनेगा क्वेश्चन ये सब। ए काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी की मदद से उसी काम को 5 दिन में, मतलब समझिए, ए अकेले करेगा तो 10 दिन, और बी अकेले करेगा तो 20 दिन, लेकिन सी की मदद से, मदद से माने ए भी तो करेगा, उसको सी भी करेगा, तो कहता है सी की मदद से उसी काम को 5 दिनों में करते हैं, 5 दिन में, तो बोला सी अकेले कई दिन में, बहुत आसान है भाई, क्षमता निकाल लो, क्षमता समय के उल्टा होता है, उल्टेंगे 1/5, 1/10, 1/20, एक बार टाइम वर्क देख लीजिए ना, देखते ही माइंड में क्षमता आएगा, 5, 10, 20 का LCM 20, 5 का 20, 10 × 20, 20 × 20। अब देख रहे हैं ए बी सी तीनों का क्षमता 4 है, जिसमें ए 2 है, बी 1 है, 2 × 1 = 3, तो ए और बी मिला के 3 हो गया, और सी जब मिला तो 4, तो सी का क्षमता 1 हो गया, अब आंसर आ गया, किसी एक के लेके चलेंगे 20, तो सी एक के क्षमता से कई दिन में, डी दिन, डी बराबर भी कई दिन आया, 20 दिन, यानी सी जब अकेले भी काम करेगा, अकेले सी करेगा, तो सी भी 20 दिन ही लेगा, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 468, आसान क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या का योग 11 है, तो ऑप्शन देख लीजिए, 7 × 11 = 3, 8 × 11 = 8, 3 × 11 = 7, 4 × 11 = 11, सब तो 11 है भाई, तो यहाँ देख लीजिए, यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 27 से कम जाती है, तो नई संख्या, पहले भी कई बार देखें 74 को 47 करते हैं, देखते हैं 27 से कम आएगी, बोलिए कि सर इसको घटाएंगे तो ये 14 में 7 गया 7, ये बजाय 6 में 27 से कम गया, कम गया, तो यदि मूल संख्या पूछा होता तो 74, मूल संख्या पूछा होता तो 74, लेकिन पूछ रहा है नई संख्या या बदली हुई संख्या, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 47, नई संख्या या बदली हुई संख्या पूछेगा तो हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 47, ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 469 देख लो, पी ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेची, या 920 रुपये में बिक्री थी, तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि, एकदम हुआ वही क्वेश्चन, पीछे भी कई बार बना चुके हैं, अब आंसर 5% ही आया है, देखते हैं यहाँ कितना आता, खरीदी कितना में पी ने, तो बोल रहा है 800 में खरीदी, कई परसेंट लाभ पर बेची, तो बोल रहा है बेची 10% लाभ पर, तो इसका 10% तो 80 होगा, मतलब 880, 10% निकालना तो माइंड में ही आना चाहिए ना, 10% मतलब 1/10, अब बेचना कितना में उसको चाहिए, बेचेगा वो, बेचना चाह रहा है 920 में, कितना में 920 में, तो बोल रहा है क्या कितने वृद्धि हुआ, तो डायरेक्ट वृद्धि ये निकाल देते, वृद्धि कितना हो रहा है, तो 80, 880, 920, यानी 40 की वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत ही निकाल देते हैं, वृद्धि प्रतिशत कितना बढ़ा, 40, कितना से बढ़ा, मतलब बढ़ा तो 880 से, लेकिन हमें लाभ प्रतिशत में वृद्धि निकालना है, तो 800 पर ही क्रैमूल पर ही करना होगा, गुना 100 काटो है 40 × 80 = 20 बार में, और 25 100, वही वाला बार बार आ रहा है आंसर, उतने आ रहा है, सिर्फ डिजिट चेंज हो रहा है, यानी कि हम लोग का आंसर हो गया लाभ में वृद्धि 5%, इसका दूसरा तरीका भी मैं बता चुका था, क्या डायरेक्ट 800 से 920, 120 ऊपर 800 नीचे परसेंट निकाले तो 15% आएगा, और यहाँ 10% लाभ हो रहा है तो वृद्धि कई परसेंट, 5%, या तो डायरेक्ट वृद्धि ऊपर क्रैमूल नीचे परसेंट निकालना है, तो भी कई परसेंट,
5% वृद्धि हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 470, बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ देखने में लंबा। यदि 1200 रुपए का एक निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपए प्राप्त हुए तो 150 रुपए को 5% के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश किया जाए तो कितने रुपए हो जाए। तो पहले तो दर निकालना पड़ेगा कि 1200 रुपया जो है 3 वर्ष होते होते 1400 रुपया हो गया, कितना हो गया 1400 रुपया। तो पहले दर निकालो, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ये तो फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे, मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना, तो बोले सर ब्याज तो 200 बढ़ा, जो बढ़ेगा वही ब्याज, गुना 100 बटा मूलधन कितना 1200, गुना समय कितना 3, काट दो, काटेंगे 200 से 200, 25 चौके 100, 3 चौके 12, यानी 50/9% दर आया। अब बोला इसी दर से, देखिए थोड़ा अल्टर आ गया है, भिन्न में आ गया, तो भी डरना नहीं है। बोला इसी दर से 150 रुपये 5 वर्षों में कितने रुपये हो जाएंगे, मतलब 5 वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है, 5 वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है। तो बोले सर 150 रुपया मूलधन हो गया इसकी तुलना 100 से, अब मिश्रधन होता है 100 प्लस ब्याज, तो यहां पर हो जाएगा 100 प्लस ब्याज कितना, तो ब्याज होता है दर गुना समय, 5/9 × 5 वर्ष, 5 वर्ष। कैलकुलेशन करो भाई, 50 + 150 = 200, 3/2 × देखिए कैलकुलेशन में कैसे उलझाया, ये हो गया 950 × 50 = 250, 900 × 250 1150, अब बटन कितना 9, अब काटेंगे हम लोग 3 × 9, 2 से काटेंगे 5 × 10, 7 × 14, ठीक है 5 × 10 हुआ ना, 7 × 14 हुआ, 1 बच गया तो 10 × 5 = 10, अब काट रहा हूं 3 से, यानी हम लोग का फाइनली आंसर जो आया 575 बटा 3, भाग देंगे 3 से तो कितना आएगा, 3 × 1 = 3, बच गया 2 तो 27 हो गया, 9 × 3 = 27, बच गया 5 तो 3 × 1 = 3, फिर बच गया 2 तो 6 × 3 = 18, फिर 6 × 3 = 18, 191.66। देखिए का वो ऑप्शन ऐसा 191.6 है ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसर तो अतः आना ही है यदि मेथड सही होगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन एग्जाम में देते हैं कम से कम 25%, ताकि उसमें आप उलझ जाइए और आपका रिजल्ट भी इसी पर निर्भर करता है, इसलिए इससे बोर नहीं होना है, आपको कैलकुलेशन जरूर करना है। हम लोग का आंसर हो गया 191.6 रुपया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 471 मजेदार क्वेश्चन, सीआई वाला आ गया, कहता 24,000 रुपये तो 24,000 मूलधन इसकी तुलना कितना से 100 से, 2 वर्ष कई परसेंट 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो होता है सीधा 2R + R² / 100, यही तो होता है, सीधे बोल रहा है कि 24,000 रुपए पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो 2 वर्ष का जो सीआई होता है सीधा 2R + R² / 100 होता है। इसको जल्दी कैसे निकाले, तो 2R × 25 × 50 + 25² = 625 / 100, यानी बोल सकते हैं 100 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 50 + 6.25, यानी हो जाएगा 56.25, यही तो निकालना है। तो मूलधन की तुलना 100 से ब्याज निकालना है 56.25, जितना फास्टली माइंड में कैलकुलेशन करी, काट दो भाई 200 × 200, 1 0 दे देता हूं, फिर 24×5 = 120 के जीरो, जितना फास्ट गुना करो बचा कितना 12, 24×2 = 48 और 12 60 के जीरो, बचा कितना 6, 24×6 = 144 और 6 × 150 के जीरो, बचा कितना 15, 24×5 = 120 और 15 = 135, कई अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी फाइनली 13,500 रुपया 2 वर्ष में 25% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 13,500 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 472 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ का बिल्कुल लगातार बने रहिए। यहाँ समरूप त्रिभुज आ गया, पहले भी हम बताया वॉल्यूम 2 में भी पूरा सॉल्यूशन कराया था। समरूप त्रिभुज जैसे ही आता है माइंड में 2 कंसेप्ट आना चाहिए, पहला कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं माध्यिकाएं शीर्षलंब परिमाप सभी आपस में समान अनुपात में होता है, क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपात में होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज है, करा ए बी सी समरूप है, समरूप का चिन्ह होता है डी ई एफ,
अब कुछ माप दिया गया है, वो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है एडी और पीएस 3:8 है, समझिएगा एडीओ एबीसी पीक्यू आर है, ए बी सी और पी क्यू आर है, अभी पूरा पढ़ लीजिए, एबीसी पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज, यदि उनके ऊंचाई एडी, अच्छा ऊंचाई एडी है और इनका क्या है पीएस है, पीएस है, चलो भाई पीएस है, तो एडी और पीएस जो है कितना कितना है, 3:8 है, 3:8, तो त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है या संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है, शीर्ष लंबों के माध्यिकाओं के परिमापों के, क्योंकि वे सब समानुपाती होते, तो हो जाएगा 3² / 8² यानी 3² हो जाएगा 9, 8² हो जाएगा 64, यानी एबीसी या पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9:64, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 473 कह रहा है यदि तीन संख्याएं कितना के अनुपात में, 2, 5 और 7 के अनुपात में और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि 280 का आधा कितना होता है 140, इनका योगफल 140 है, यहाँ रेशियो में योगफल 2, 5, 7 और 7, 14 है, योगफल की तुलना योगफल से निकालना क्या है, तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो पहले सबसे छोटी निकालना है, तो 2 से 14 से काटेंगे 10 वर्ग में 10 × 2 = 20, अभी संख्या हो गया सबसे छोटी 20, इसका वर्ग निकालना है, स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हुआ 400, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474 आपको खुद से बनाना है, पीछे मैं 3, 4, 5 क्वेश्चन बता चुका हूं ऐसा, क्योंकि अभी तक भिन्न वाला जितना भी क्वेश्चन पहले पूछा जाता था जिसका नीचे एलसीएम लेके हरों को सेंड करना बहुत आसान था, या तो छोटा था तिरछा गुना करना, यहां एलसीएम लेना भी बहुत मुश्किल है और गुना करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसका एक ही उपाय है, या तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लास्ट में बनाओ, या तो फिर आप क्या करो बारी बारी से सबको भाग ही दे दो, आप कम से कम 2 या 3 अंक के बाद तक निकाल लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा जो बड़ा है उसके अनुसार सजा देना, पीछे मैं 3-4 क्वेश्चन बता चुका हूं, ये आपका काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 475 बहुत सारे ये क्वेश्चन में बताया, हर सेट में क्वेश्चन आ ही जाता है, वो क्या आता है कि पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएम, आपको पता होगा एलसीएम गुना एचसीएम, तो पहली संख्या दे ले 1 / 22, तो दूसरी क्या है, सबसेट में वो आ रहा है, दूसरी निकालना है, एलसीएम कितना है 616, एचसीएफ कितना है 2, 22 से काटेंगे 22 × 44 बच जाएगा कितना 17, 178, 28 × 56 दूसरा हो गया हम लोग का कितना 56 हो गया, दूसरा संख्या, पहला संख्या 22, दूसरा संख्या 56, ऑप्शन से मिलाओ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 476 बहुत आसान क्वेश्चन, 24 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 18 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है, 24 आदमी 24 दिन में, तो 18 आदमी कै दिन में, ही दिन में काट दो, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, फिर 6 × 4 = 24 यानी कि हो जाएगा 4 × 4 = 16, फिर से 6 × 3 = 18, 3 से कटेगा, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, फिर 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 32 होगा, यानी कि 18 आदमी रहेगा तो कई दिन लेगा, 32 दिन लेगा, 24 आदमी 24 दिन में, 18 आदमी डी दिन में, 6 × 6 = 18, 6 × 4 = 24, और फिर वाला 3 × 8 = 24, इधर टोटल कट गया, इधर बच गया 8 × 4, फास्ट निकालिए 8 × 4 = 32, ऑप्शन से मिलाइए 32 आदमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 477 बट्टा का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, 25%, 20% और 10%, तीनों बट्टा का क्रमिक एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो पहले तो ये दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दो को पहले निकाल लीजिए, बट्टा का फॉर्मूला था x + y - xy / 100, मैं बिना फॉर्मूला को ही बताता हूं, पहले तो 20 और 10 कितना होगा 30, आप 20 का 10% 2 घटेगा, तो ये दोनों का तो 28% निकल गया, अभी दोनों का निकालते हैं डायरेक्ट, 28 और 25 कितना हो जाएगा 53, माइनस एक्स वाई बटा 100 होता है, यानी 28 का 25%,
या 25 का 28%, तो 28 का 25% 25% मतलब एक चौथाई होता, 28 का एक चौथाई 7 हो जाएगा, 7 घटा दो 53 में से 7 घटेगा कितना जाएगा, तो बोलिएगा 46%। यानी फाइनली हम लोग का जो आ गया बट्टा वो आया 46%। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 478 देख लो। कह रहा है पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, पहले हम लोग रेशियो निकाल लेंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है। क्रय मूल्य में क्या लगा, मैंने क्रय मूल्य 15 हो गया और विक्रय मूल्य 19 हो गया। तो बोला है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। हम सब लाभ प्रतिशत बहुत बार पढ़े, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना, बोलिए सर 15 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 19 है, लाभ 4 बटा क्रय मूल्य 15 गुना 100। काट देते हैं 5 से 2 5 100, 3 5 15, बीच का 80/3। अब ऑप्शन देखिए दशमलव में है तो 26 3 78 काटेंगे तो 26 3 78 बच गया कितना 2, तो 6 3 18 6 6 या 6 7 इसी को ऐसे लिख सकते हैं। 26.67% दिया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 479 मजेदार क्वेश्चन आ जाइए। उसको उनका माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक का एक बड़ा चार। अच्छा कोण और उसका संपूरक। अब संपूरक क्या होता है जो समझिए, अपने संपूरक का एक बड़ा चार है। कहा लगा संपूरक, संपूरक का तो संपूरक चार और खुद कोण एक। हम सभी जानते हैं कि जब दो कोण संपूरक हो या अनुपूरक हो तो 180 होना चाहिए, और पूरक या कोटि पूरक हो तो जोड़ के 90 होना चाहिए। तो यहाँ संपूरक मतलब दोनों कोण का योग 180 होना चाहिए। तो कोण और उसके संपूरक का योग 180, यहाँ कितना 5 पूछ क्या रहा है भाई, तो पूछ रहा है हम लोगों से उस कोण का माप ज्ञात करें। कोण तो कोण पूछ रहा है तो 36 डिग्री हो जाएगा कोण। उसका संपूरक पूछता था 180 में 36 घटा देते या तो 4 से डायरेक्ट हम गुना करते, ठीक है, क्योंकि एक कोण और उसका संपूरक का योग हमेशा होता है 180 डिग्री। यहाँ कोण और उसका संपूरक 4 है, 1/4 गुना बोला तो 5 से कोण निकालना है, तो 1 से यदि उसका संपूरक पूछता तो 4 से। हम लोग का आंसर है 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 480 देख लो। 7 भुजाओं वाले एक समभुज की डिग्री में आंतरिक कोण का योग। आपको पता होगा कितनों भुजा वाला बहुभुज है, n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग मालूम तुमने बहुत सारा होता है n-2 गुना 180 डिग्री होता है। प्रत्येक अंतः कोण बोलेगा तो सिर्फ n से भाग देंगे, तो n का मान है 7 भुजा वाले, तो 7-2 गुना 180, 7-2 गया 5 गुना 180, 18-5 90, यानी कि 7 भुजा वाले समभुज के अंतः कोणों का योग 900 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 481 मजेदार क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इसके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल उसके योग का 3 गुना है, एक संख्या 12 है, तो एक संख्या 12 है दूसरा संख्या x मान लीजिए, पहला संख्या दूसरा संख्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके योग का 3 गुना है, तो गुणनफल यानी 12 गुना x जो है उसके योग यानी 12 प्लस x का कई गुना है, 3 गुना। हमने क्वेश्चन ही कह रहा कि गुणनफल तो 12 गुना x उसके योगफल 12 प्लस x का कई गुना है, 3 गुना, 3 से गुना कर देंगे हम जो क्वेश्चन बोला है लिख दिए। तो बोला दूसरी संख्या का काट देते हैं, पहले इसको तो काटेंगे 3 से 3 चौक 12 चूंकि गुना में तो कटेगा, ये 4x हो गया बराबर इधर 12 प्लस x, x इधर आके घटेगा तो घटेगा तो 4x में से x घटेगा 3x बराबर कितना हो गया 12, 3 चौक 12 यानी x का मान कितना होना चाहिए 4, यानी दूसरी संख्या कितना होना चाहिए 4, दूसरी संख्या को ही तो x माने, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 482 देख लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन फिर से आ गया वही 8 अवलोकन। अवलोकन मैंने 8 संख्याएं 8 राशियां 8 परिमाण परिणाम का मीन मैंने माध्य कितना है 10.5। यदि अवलोकनों में 7 को देर है, हम सभी जानते हैं कि माध्य बराबर दिया 10.5, अब माध्य होता है योग बटा संख्या, तो योग देख लीजिए 3 + 15 + 7 + 19 + 12 + 17 + 8 + 1 = x, मान लीजिए 8 में x है वही तो निकालना, बटा 8 और बराबर 10.5,
जोड़ते हैं 3 15 18 7 25 25 में उन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44, ठीक है ना। 44 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 56, 56 में 17 जोड़ेंगे तो 56 में 17 जोड़ेंगे तो 73, 73 और 8 यदि हम जोड़ते हैं तो होता है 81 प्लस एक्स बराबर, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना हम लोग का 10.5 को, यानी 8 5 40 का 0 बचा कितना 4, 10 3 80 4 84, ये हो गया एक अंक के बाद 81 प्लस एक्स बराबर 84, तो एक्स बराबर 81 उधर जाके 84 में घट जाएगा तो बचेगा कितना 3। फाइनली जो आठवां अवलोकन होगा, जो आठवां संख्या होगा वो होगा 3, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 483 फिर से देख लीजिए। एक दुकानदार 20 कुर्सी बेचकर 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, पीछे भी आपको बताया था जैसे ही विक्रय मूल्य के बराबर बोल दिया था टोटल विक्रय मूल्य और क्या लाभ, तो टोटल लाभ, फिर से विक्रय मूल्य के बराबर टोटल विक्रय मूल्य जितना लाभ बोला लाभ, क्रय मूल्य के बराबर टोटल क्रय मूल्य जितना लाभ बोला लाभ, तो 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी विक्रय मूल्य हो गया 20 और लाभ हो गया 4, तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य 16 ही होगा, चूंकि यहां लाभ हो रहा है 20 में बेचे से तो क्रय मूल्य तो कम ही होगा, तो क्रय मूल्य 16, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। हम सभी जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि लाभ हानि की गणना कौन सी पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर, तो लाभ 4 ऊपर क्रय मूल्य 16 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, 4 4 16 25 4 100 25%, यानी हम लोग का आंसर हो गया 25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484, तो ऐसे ही ऑप्शन से छाट देना है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, तो इसमें एक ही को पूर्ण वर्ग नजर आ रहा है 1024, जो कि किसका वर्ग है 32 का, और तो यहां पर कोई पूर्ण वर्ग है ही नहीं, क्लियर है, तो 1024 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1085 और मजेदार क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर, यदि इसकी एक भुजा 4 है तो दूसरी भुजा की लंबाई, हम सभी जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि दिया हुआ कितना है 28 है, 2 से काट दिए 14 × 2 = 28, इसमें कह रहा है एक भुजा 4 है तो दूसरी, तो चलो लंबाई रहने देते हैं चौड़ाई को 4 ले लेते हैं, कोई को 4 ले लीजिए बराबर 14, 4 उधर जाके घटेगा एल बराबर 14 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 10, यानी कि जो दूसरी भुजा की लंबाई हो गया वो हो गया 10, ऑप्शन सी मिलाइए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 486 से 87 देख लो, एकदम एक टेबल दिया हुआ है, कंपनी टीओ एचओ केओ और बायो 1984 50 86 87 88 में कंपनी के 5 साल की बिक्री को दर्शाता है, तालिका पर विचार करिए और जवाब दीजिए, तो पहले 486 टेबल आपको दिख रहा है मिलाइएगा, कौन सी कंपनी 1985 से 88 में क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है, तो देख लीजिए पहला ऑप्शन में टीओ है, टीओ 85 में 400 है, 86 में 300 हो गया, तो कम ही हो गया जबकि क्रमिक वृद्धि है, तो पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन एचओ है, एचओ 85 से देखना शुरू किया, 220 से 250 बढ़ा, 250 स्पीड 225 हो गया 87 में, तो कम गया, ये भी ऑप्शन खत्म, क्रमिक वृद्धि होना चाहिए 85 से। केओ को देखिए, केओ में 85 210 से 86 250 बढ़ गया, फिर 87 में 270 बढ़ गया, फिर 88 में 300 बढ़ गया, यानी कि कौन सा कंपनी है, केओ है जो क्रमिक वृद्धि को दर्शा रहा है, केओ है जो क्रमिक वृद्धि दर्शा रहा है, हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है, बाकी तो है कि बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, तो हम लोग का आंसर हो गया केओ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 487 देख लीजिए, ये तो खुद से ही बना दीजिएगा, पिछले 3 वर्षों में केओ और एचओ के कुल बिक्री में अंतर, केओ और एचओ पिछला 3 वर्ष जोड़ दीजिए, पिछला 3 वर्ष मतलब लास्ट 3 86 87 88 जोड़ना पड़े, तो केओ में 86, केओ में 86 है 250, 87 कितना है, 87 है 270 और 88 है 300, यानी इसको हम यदि जोड़ते हैं तो हम लोग का ये जोड़ के कितना आ गया, तो 3 2 5 2 700 और 70 50 कितना हो जाएगा 120, यानी 820 हो गया। अब एचओ आ जाइए, एचओ का पिछला 3 वर्ष ले लीजिए, एचओ में पिछला 3 वर्ष कितना कितना हो जाएगा, तो 250 है, फिर 225 है और फिर कितना है 350 है, अब इसको जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 और 3 700,
पचास पचास सौ और पच्चीस, यानी मिला के तीनों हरा है 825। बोला ये दोनों में अंतर कितना, 25 का अंतर है, यही तो पूछ रहा है, 25 का अंतर है। पिछले तीन वर्षों में इक्यावन और एचओ में अंतर कितना, कहीं 825 है या 820 है, सॉरी 825 820 पांच का अंतर होगा भाई, पांच का अंतर है, पांच का अंतर। देखिए ऑप्शन दिया है, मिलियन में है तो मिलियन ही होगा, पांच मिलियन का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन सुन लाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 488 भी देख लीजिए। अच्छा 88 भी इसी से दिया गया है आपका, देख लीजिए टेबल। पहले तीन वर्षों में किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरों से सबसे कम रही, पहले तीन वर्षों में किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरों से सबसे कम रही। तो पहले तीन वर्षों में देख लेते हैं, टीओ का तो सबसे अधिक रहा है, 400 300 टीओ देख लेते हैं, 400 300 7 और 3 1050 रहा है पहले तीन वर्ष में। एचओ का कितना रहा है, तो 250 220 224 470 170 450 640 हो जाएगा, यानी कि आगे देख लीजिए। फिर केओ का देख लीजिए, केओ का 230 210 250 224 260 3040 50 690 हो गया। और फिर बायो का देख लीजिए, 300 240 तो 540 150 तो 5 1 690 690। तो यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि पहले तीन वर्षों में किस कंपनी कुल बिक्री दूसरों से सबसे कम रही। तो सबसे कम तो लगता है एचओ का रहा है पहले तीन वर्षों में, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए एचओ। ऑप्शन से मिलाइए 488 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 489 देख लो, मजेदार क्वेश्चन, एक लाइन का। 48 के सभी धनात्मक गुणन खंडों की माध्यिका क्या होगा, तो 48 के सभी धनात्मक गुणन खंड कौन कौन है पहले देख लीजिए, तो लिखना ही बेहतर होगा कौन कौन है। तो बोलिए सर पहले तो एक होगा, दो से भी कट रहा है, तीन से भी 48 कट रहा है, चार से, पांच से तो कट रहा है, छह से कट रहा है, आठ से 48 कट ही रहा है, ठीक है ना। अब कितना कट रहा है, 12 चौके 48 भी कटता है, फिर आपका 16 ती 48 भी कटता है, 24 दुनिया 48 और 48 से कहीं 48, और कोई है 48 को काटने वाला नहीं है। तो बस यही है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इसका माध्यिका पूछ रहा है, बढ़ते क्रम में है ये लिखा हुआ और 10 गो है। तो हम सभी को जानते हैं कि माध्यिका बीच वाला होना चाहिए या बीच वाला दो गो जोड़ के, तो 10 गो है तो 4 गो इधर छोड़ दो, 4 गो इधर छोड़ दो, बच गया कितना, 6 + 8 / 2 यानी 14/2 यानी कि 7, यानी 48 के जो माध्यिका होगा, 48 के जो धनात्मक गुणनखंड होंगे उसके माध्यिका हो जाएंगे 7, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 490 देख लो, रूट वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 4√18 + 7√32 -2√50। पहले जो रूट से निकाला है ना, निकालो कुछ निकलेगा। बोले वो कैसे सर, 9 × 2 = 18 इसको लिख सकते हैं, 16 × 2 = 32 लिख सकते हैं, इसको 25 × 2 = 50। अब ये 9 जब बाहर निकलेगा तो 3 बन जाएगा, ये 4 पहले से है, तो 3 × 4 = 12 आई अंदर में बचेगा √2 प्लस है तो प्लस, 16 जब बाहर निकलेगा तो 4 ये 3 बच गया, ये 4 बन जाएगा, तो 7 × 28 आई बच जाएगा √2, ध्यान देना है, माइनस है तो माइनस, ये 25 जब बाहर निकलेगा तो 5 बन जाएगा, तो 5 × 2 = 10 आई तो अंदर में √2 बच ही जाएगा। अब सब तो √2 के रूप में आ गए, 12 × √2 = 28 मिला के कितना हो गया, 12 और 28 कितना हो जाता है, तो बोले सर हो गया 40√2 और 40√2 में 10√2 घट जाएगा, तो घट के कितना हो गया 30√2। फाइनली हम लोग का आंसर जो आया वो आया 30√2, ऑप्शन से मिला 30√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 491 बहुत मजेदार क्वेश्चन करा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, 363 मीटर है, 528 मीटर है, 693 मीटर है। चलो अब कहता है सबसे लंबे टेप का निर्धारित को जो कमरे के तीनों आयामों को स्पष्ट माप सके, स्पष्ट तीनों को पूरा पूरी माप सके, मतलब मासा सबसे लंबे मतलब सबसे बड़ा, बड़ा से बड़ा, अधिक के अधिक मतलब मासा, तो इसका मासा निकालना है, मासा मतलब HCM। देखिए कौन ऑप्शन है जो तीनों को काट रहा है, तीनों को बड़ा भी होना चाहिए और तीनों को काट भी देना चाहिए, तो देख लीजिए 33 है, 35 है, 27 है, 30 है,
तो पहली बात तो 35-38 तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि अंतिम में 5 है, अंतिम में 0, ये तो होगा नहीं। तो अब 33 और 27 हो सकता है, तो 33 हो सकता है कि नहीं, जोड़ लेते हैं। 33 से 33 कट रहा है, 33 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखते हैं 11 से कट रहा है कि नहीं, 11 से 44 11 से 88 3 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, यानी 33 से यह भी कट जाएगा। अब ये 11 से 66 11 से 33 कट रहा है, 3 से कट रहा है, यानी कंफर्म हो गया कि इसका एचसीएफ 33 हो जाएगा। हम लोग का आंसर हो गया 33, ऑप्शन से मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 492, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो एक मिनट में कितनी दूरी, कितना आसान है, दूरी बराबर चाल गुना समय, बचपन से 7-8 क्लास से पढ़ रहे हैं, बस यूनिट को ध्यान रखना है। चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन भी किलोमीटर में ही है, लेकिन यहां पे देख ले 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मिनट तो एक मिनट है। उसके बाद इसको तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसको तो बदलना पड़ेगा घंटा में, क्योंकि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां पर घंटा में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा नीचे, मिनट को घंटा में बदलेंगे, 9 × 6 = 54 और 10 × 6 = 60, यानी 9/10, यानी एक्चुअल में इसको 0.9 किलोमीटर आना चाहिए, 0.9 किलोमीटर। यदि मीटर में देता, मीटर में, तो कितना आएगा, तो बोले सर 0.9 में 1000 से गुना करेंगे, कट गया, तो यहां हो जाएगा 900 मीटर। यदि मीटर में दिया है तब तो 900 ठीक है, नहीं तो एक्चुअल में आंसर होना चाहिए 0.9 किलोमीटर। अब कौन ऑप्शन दिया है पता ही नहीं है, यहाँ पे 9 किलोमीटर दिया है, 967 किलोमीटर में दिया। यदि आप सी को सुधारते हैं 900 मीटर तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, नहीं तो आपका आंसर यह ही होगा, ठीक है, जैसे भी आपको मिलाना है मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 493, बहुत मजेदार क्वेश्चन, ट्रिगो का बहुत आप बना चुके हैं। साइन थीटा बराबर है 5/13, हम सभी जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 13, कर्ण 12, तो जैसे ही माइंड में आ गया आधार कर्ण 13 तो आधार 5/12 बहुत बार बता चुके हैं आपको, जब जब पाइथागोरस आता है कॉस थीटा बराबर क्या होगा, होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना लाए हैं 12, कर्ण कितना है 13, हम लोग का आंसर हो गया 12/13, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 494, बहुत आसान क्वेश्चन, 68.04 क्विंटल चावल 37-80 लोगों में वितरित किया जाना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा। तो पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को पूछ रहा है मतलब भाग देना है, प्रत्येक व्यक्ति को पूछ रहा है मतलब भाग देना है, तो भाग देना है 37-80 लोगों में बांटना है 68.04 क्विंटल, और एक क्विंटल बराबर होता है आपका 100 kg, तो 100 से पहले तो हम लोग गुना करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे 37-80 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे मीट्रिक लिखल है, मीट्रिक क्विंटल 37-80 से भागा देंगे, तब जाके हम लोग को काटिए, तो यहाँ पे कट तो गया, एक तरीका ये हो गया आपका, काट देते हैं पॉइंट कट गया, अब छोटा करके काट दीजिए, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। पहले तो 4 से ही काट दो, 4 से 9 × 36 बच गया, 1 × 16 बच गया, फिर से 9 × 36 बचा, 1 × 16 2 बच गया, 5 × 20 काट देते हैं, 17 × 68 0, 4 × 4 9 दुनिया 18, यानी कि 1.8 लगभग, एक ही ऑप्शन है, अब 18 kg नहीं आएगा, 180 kg नहीं आएगा, और 1.08 नहीं, चूंकि लगभग इसका दुगना रहा, 9 दुनिया 18 है ना, तो फिर एक ही ऑप्शन हमें तो नजर आ रहा है, 1.8 kg प्रति व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, 1.8 दिया हुआ है, ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 495 देख लो, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को रेलगाड़ी द्वारा पार करने में लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। आप रेलगाड़ी पढ़ चुके होंगे, मैं रेलगाड़ी पढ़ाया हूं, जब रेलगाड़ी किसी खंभा, किसी व्यक्ति, किसी पोल, किसी सिग्नल को पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होता है, लेकिन वही रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, पुल को पार करता है, सुरंग, गुफा या दूसरे रेलगाड़ी, तो दोनों की लंबाई जुटता है, तो यहाँ पे दूरी का काम करेगा दोनों की लंबाई कितना है, तो 210 रेलगाड़ी है और 150 प्लेटफॉर्म है, तो 210 प्लस 150, अब बटा चाल कितना है, तो चाल 108 है, लेकिन आप देख रहे हैं आंसर जो भी है सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, लेकिन पहले इसको जोड़ते हैं, 2 × 360 हो गया,
बटा 108 मीटर प्रति सेकंड कर लेंगे तो 5/18 6 108 6 6 36 5 12 5 60 यानी 12 सेकंड लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में उस ट्रेन को। हम लोग आंसर हो गया 12 सेकंड ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बस आप लगातार बने रहिए। फास्ट पढ़ाऊंगा लेकिन आपको 100% समझ में आएगा। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, लगातार आप कम से कम जितने विद्यार्थी हैं 10-10 अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहे और लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए 496 एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो सर्वांगसम कोणों के विपरीत भुजाओं को, सर्वांगसम कोण मतलब बराबर कोण होता है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो सर्वांगसम, तो ये दोनों भुजा बराबर लेते हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में कुछ होगा बराबर, इसी को सर्वांगसम कोण आप कह सकते हैं। सर्वांगसम, सर्वांगसम माने बराबर होता है, सर्वांगसम कोण ये दोनों, तो सर्वांगसम कोण के विपरीत भुजाएं, सर्वांगसम कोण के विपरीत भुजाओं को 3x + 3 और 2x + 5 का रूप देता है। मतलब ये हो गया 3x + 3 आई है 2x + 5 का रूप देता है, मतलब इसका लंबाई दिया हुआ तो x का मान क्या। हम सभी जानते हैं कि सर्वांगसम कोण के सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होता है बराबर, यानी हम कह सकते हैं 3x + 3 बराबर हो जाएगा 2x + 5। क्लियर, इधर आएगा 2x तो बचेगा x बराबर ही 3, उधर जाके घटेगा तो 5 में 3 जाएगा 2, यानी x का मान 2 आया। हम लोग से पूछ कह रहा है, यही तो पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करें, x का मान 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 497 देख लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या कितना है, 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों संख्याओं में 12 घटा दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 5:8। यदि आप रेशियो पढ़े होंगे, यदि आप रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें अंतर समान करना मैं एक टाइप पढ़ाया हूँ, कोर्स स्टार्ट कर दिया हूँ, रेशियो लगभग असाइनमेंट खत्म ही हो गया है। अब जल्द ही आर एस अग्रवाल का एक नवीन अंग नहीं आता है, फिर बहुत सारे बच्चों का मांग है महेश मिस, सभी का सॉल्यूशन लगातार होते रहेगा चैप्टर वाइज। तो उसमें मैं बताया था अंतर समान करना, कि जब कोई भी बराबर संख्या प्रत्येक संख्या में जोड़ा या घटा जाए, जैसे बोला है दोनों में 12 घटा दिया जाए तो अंतर सेम रहना चाहिए, ऊपर का एक अंतर 1 नीचे 3 का, तो नीचे के अंतर से ऊपर दोनों में, ऊपर के अंदर से नीचे दोनों में, यहाँ प्रत्येक में 12 घटा, यहाँ देखिए द्वितीय 6 से 5 हो गया 1 की कमी, तृतीय 9 से अधिक 8 हो गया 1 की कमी, कमी की तुलना कमी से। पूछ कह रहा है संख्याएं ज्ञात करें, संख्या मतलब शुरू वाला, 3 2 6 से दूसरा निकालना है 3 3 9 से, तो 12 6 1 72 हो सकता है, 1 12 9 108 यानी दोनों संख्याएं 1 72 1 108 हो सकता है, ऑप्शन से मिलाइए 72 108 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 498 मजेदार क्वेश्चन देख लो। 72 मीटर लंबे 20 मीटर चौड़े फर्श पर टाइल से बिछाएगी, एक टाइल्स का अधिकतम आकार क्या हो गया, यदि सिर्फ वर्गाकार टाइल से ही अधिकतम जैसी बोला तो आना चाहिए एच सी एम। 72 मीटर लंबाई है, लंबाई चौड़ाई जो भी बोलिए, 90 मीटर चौड़ाई दे दिया है, जो सबसे इससे जो वर्गाकार बनाना है टाइल्स बिछाना है अधिकतम लंबाई एस सी एफ होता है, एस सी एफ 72 और 18 के एस सी एफ आपको नजर आ रहा होगा 18 मीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो 18 देखिए 18 से 72 18 95 दोनों 18 से कटा, एस सी एफ का मतलब होता है बहुत बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो दोनों को काट दी, तो 18 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 499 देख लीजिए। एक पिता अपनी संपत्ति को, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है बस समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पिता अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के लिए पश्चात अपने 3 पुत्रों में 2 3 5 के अनुपात में बांट देता है, यदि पहले पुत्र को 48 वर्ष की कुल संपत्ति क्या था, तो पहले समझ लीजिए, कहता अपनी संपत्ति को का 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने 3 पुत्र, पहला पुत्र दूसरा पुत्र और तीसरा पुत्र, तीनों में कितना बांटता है 2 3 5 में। अब कह रहा है कि यदि पहले पुत्र को 48,000 48,000 पहला पुत्र, तो यहाँ पहला पुत्र को 2 मिला, तो तीनों पुत्रों को टोटल, यहाँ पुत्रों को टोटल पुत्रों को निकालें तो कितना मिल जाएगा, तो 5 3 8 2 10 से 24 2 48 24 पर 4 0 यानी 2,40,000 से पुत्रों में बांटा है, और बोल रहा है क्या 1/3 भाग रखने के बाद पुत्रों में बांटा है, तो पत्नी यहाँ पे टोटल पूछ रहा है, तो टोटल जितना होगा उसका 1/3 तो पत्नी को दे दिया, पत्नी को दे दिया 1/3, तो पुत्रों को कितना दिया होगा,
तो बोले सर पुत्रों को दिया होगा 2/3, क्लियर। तो पूरा राशि कितना, 1 हम मानेंगे 1 गुना, तो यहां पर हो जाएगा 3:1:2 हो गया। यहाँ पुत्रों का टोटल राशि 2,40,000 प्राप्त किए हैं, यहाँ कितना है 2, कुल संपत्ति पूछेगा 3, काट दो भाई 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, यानी कुल संपत्ति जो हो जाएगा उसका 3,60,000, कुल पुत्रों का पूछेगा तो 2,40,000, कुल संपत्ति 3,60,000। यहाँ वही पूछ रहा है हम लोगों से कि उसकी कुल संपत्ति क्या है, 3,60,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 500 आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखिए, एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं, यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों के 8/15 मिले हैं। पहले अवैध कितना, अवैध 1/6, तो निश्चित है टोटल जितना भी होगा उसका वैध कितना होगा, तो बोले अवैध 1/6 तो वैध 5/6, भिन्न तो आप समझते हैं ना, 1/6 अवैध है तो वैध 5/6 होगा। उसमें से कहता है ए को मिला है वैध मतों का, वैध मतों का कितना, वैध 5/6 यहां पे लिखता हूं मैं, समझिएगा, ए को मिला है वैध मतों का 8/15, वैध वोटों का 8/15 वोट मिले ए को, और बी को मिला है 4900 वोट, तो कुल कितना था, बी को मिला है 4900 वोट तो कुल कितना था, तो बी का तो ये दिया हुआ है निश्चित राशि 4900 या 4900, जो भी 4900 है। तो ऐसा करते हैं, जब भिन्न के रूप में, रेशियो में ही मैं एक टाइप बताऊं, भिन्न के रूप में रहे तो टोटल को इतना मान लीजिए कि सबसे कट जाए, तो 6/15 कैल्शियम कितना होगा, तो बोले सर 30 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 30 का 5/6 कितना होगा, तो 25 होगा, 25 वैध है, और जितना वैध है उसका 8/15, अब यानी कि वैध का 8/15 करना थोड़ा मुश्किल हो गया। यदि हम 90 मानते हैं तो 90 का 5/6 कितना हो जाएगा, 75, तो उससे अच्छा 90 ही मान लो, जिसको काटना आसान है, काटना आसान, ऐसे भी आंसर आएगा ही, टोटल 90 मान लेते हैं, 15 और 6 90, टोटल 90 का 5/6 हो जाएगा, 6 से कितना, 6 से हम 15 से 15 75 हो जाएगा। अब जो 75 आए उसका 8/15, उसका 8/15 क्या बोला है कि ये को मिला है वैध वोटों का 8/15, 75 का 8/15, 15 × 5 = 75, 8 × 5 = 40, तो 75 में 40, तो ये कितना 35 40 35 75, यहाँ कितना मिला 4900, बी को 4900, रेशियो में बी को कितना 35, बी की तुलना 20 निकालना क्या है, टोटल मत तो कैसे ना, सिर्फ वैध मत पूछता तो कैसे, 75 से काट दीजिए, 7 × 5 = 35 + 7 = 49, उसके बाद 18 × 5 = 90, 18 × 7 = 126 + 2 = 0, यानी कि कुल मतों की संख्या जो है 12,600 है। ऑप्शन से मिला सकते हैं, 12,600 दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर सी 100% आपको समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जैसे लगातार कर रहे हैं करते रहिए, अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, और मैं फिर से कहूंगा जितने आपके दोस्त हैं जितने जरूरतमंद है प्लीज सबको शेयर जरूर करिए, और जो नए विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।